नर्सिंग घोटाले और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज आंदोलन करने पहुंचे कांग्रेसियों पर पुलिस ने सख्ती बरती। घंटाघर के पास बैरिकेड लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। नहीं मानने पर पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। कांग्रेसियों की पुलिस से खासी झड़प हुई। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एक साथ कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी डालकर लाठी चार्ज भी किया। इसके बाद भी कांग्रेसियों ने हौसला नहीं हारा और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पूरे देश में प्रथम नंबर पर है। और तो और, भाजपा की सरकार के द्वारा कई बड़े बड़े घोटाले को दबा दिया गया और न जाने कितने बेगुनाह छात्र इस फर्जीवाड़े की भेंट चढ़े। कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा सरकार और भाजपा नेता स्वस्थ परीक्षाओं के विरोधी है। जबलपुर से अशोक रावत के साथ महेश शुक्ला की रिपोर्ट। के साथ खेला जा रहा है और इस देश की प्रावधानिकी पर चोट की जा रही है। शिक्षा में जो घोटाला है ये समूचा भारत देश देख रहा है। इस देश की सबसे सर्वोच्च शिक्षा नीट, जिससे डॉक्टर बन के पैदा होते हैं। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा नर्सिंग, जिससे नर्सें पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस शिक्षा व्यवस्था पर घोटाला करा है जो इस देश के लिए जरूरत है। और जब उन छात्रों की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस का सहारा लेके उस आवाज को, उस बात को दबाना चाहती है। मगर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशन में समूचे मध्य प्रदेश के जिले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। और आपने देखा, जब हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों के मुंह पे केमिकल डाले गए, लट चलाए गए। हम लोग इन व्यवस्था को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहते हैं, इन छात्रों की आवाज़ आप दबा नहीं सकते जब तक कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ रही है। फिर चाहे आप हमारे मुंह पे केमिकल डालें, हमारे पर लट चलाएं, हमको जेल भेजें, फिर चाहे हमको फांसी पर चला दें। इसके बाद अगला हमारी रणनीति बन रही, जिसमें वो पीड़ित छात्र, उनके अभिभावक हम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक और बड़ा आंदोलन लेके हम लोग सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा नीट परीक्षा और शिक्षा में जिस तरह और नर्सिंग परीक्षा में जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ सख्ती प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में आज जिला अध्यक्ष कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाना था और हमारी मांग है कि जिस तरह नीट परीक्षा में धांधली हो रही है, मतलब खुला आरोप है हमारा कि एससी एसटी ओबीसी और संवर्ण वर्ग के गरीब छात्रों का हक मारकर, मतलब मेधावी छात्रों का हक मारकर पूंजीपतियों को पैसों के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर उनको डॉक्टर बनाया जा रहा है। और ये बातें सामने आ चुकी हैं कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी 47 दिन तक बोलते थे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बाद में उन्होंने स्वीकार किया। और यदि गड़बड़ी हुई है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें ना, जवाबदारी लें, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। और छात्रों के साथ गुजरात गोधरा में एक स्कूल ऐसा है जिसका चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस स्कूल में सेंटर बनाया गया कि जहां पर आने जाने के साधन नहीं है। क्यों बनाया गया भाई, जबकि उस स्कूल के खिलाफ हाई कोर्ट ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसे अनियमितता पाए जाने वाले स्कूलों में नीट परीक्षा का ऐसा क्या संदेह क्या है अभी वहाँ पर सेंटर बनाने का? आपने सेंटर इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों को पैसा लेकर वहाँ से चेक जब्त हुए हैं और कैश बरामद हुआ है, परंतु वो स्कूल का जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। CBI ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। आज के प्रदर्शन के संदर्भ में प्रशासन द्वारा जो व्यवहार किया गया उसमें क्या कहना? आपने खुद देखा है, आप तो चौथे स्तंभ में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मजबूत स्तंभ हैं, परंतु यहाँ पर प्रशासन ने जिस तरह से पानी की बौछार की गई है, पानी की बौछार के साथ साथ
उसमें मिट्टी का तेल मिलाया गया, ये तो अंग्रेजों भी नहीं करते थे। क्या क्या मान लो भूल से किसी के ऊपर गाड़ी की तिली छुप जाए तो उसको आग लग सकती है कि, तो हम उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वह इस तरह की हरकत बंद करे और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें शासन प्रशासन और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, गिरफ्तारी तानाशाही गुंडागर्दी का प्रतीक है। पूरे देश में जो लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया भाजपा सरकार ने मोदी के नेतृत्व में और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर उसका युवाओं के युवा अगर हम लोगों के पास आते हैं उनके लिए प्रदर्शन करते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे जिनके 3-3 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहे, आज उनके परिवार में क्या खून के आंसू बह रहे हैं, और यहाँ पुलिस गुंडागर्दी करके युवाओं को मार रही, पानी चला रही, लाठी मार रही, ये इसकी ये तानाशाही रवैया इस देश में नहीं चलेगा। और आने वाले समय में पूरा नौजवान पूरे देश की जनता सड़कों पे होगी, तब भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र का पर्दाफाश होगा किस तरह से देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार की आखंड में डूबा हुआ है पूरा प्रदेश और देश, और लाखों युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। क्या मांगे थी आप लोग? हम लोगों ने जो नीट परीक्षा रद्द की, इसकी जाँच होना चाहिए और परीक्षा पुनः प्रारंभ करें ताकि युवाओं का भविष्य बच सके। शिक्षा मंत्री थी कोई पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था उनकी मांगों के खिलाफ, जिसके रेफरेंस में उन्होंने उनके द्वारा प्रदर्शन किया, तो पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया। उनके अपनी मांगों का एक ज्ञापन एडीएम महोदय को सौंपा गया है और जो भी आगे जैसा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ गिरफ्तारियाँ की गई हैं इस प्रकरण में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए अभी स्थिति उन्होंने एडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। थोड़ा वाटर कैनन वगैरह का प्रयोग किया गया है, बाकी उन्होंने जो उनका ज्ञापन था वो ईडीएम हमारे द्वारा लिया है।